दोस्तों हम अपनी आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो आपने यकीनन पहले नहीं देखा होगा। हालांकि आप उन चीजों का इस्तेमाल डेली ही करते होंगे। क्या आपको पता है कि लड़कियां जो रोज ही आई शेडो अपने आंखों के ऊपर लगाती हैं वो कैसे तैयार किया जाता है? अब जो कपड़े पहनते हैं रोज वो कैसे बनता है? भाई लिपस्टिक ऐसी चीज है जिसके बिना तो लड़कियां रह ही नहीं सकती। हम आपको आज बताएंगे कि उसे तैयार कैसे किया जाता है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा आज का अपना नया एपिसोड और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनाई जाती हैं ये सारी चीजें। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर वन, दोस्तों आज हम आपको सबसे पहले ये बताने वाले हैं कि हर तरह का कपड़ा फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि साड़ी, जीन्स, सलवार और कमीज कैसे आपके लिए फैक्ट्री में तैयार होता है ये सारा सामान, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जीन्स को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों जीन्स तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत में पड़े कपास को काटा जाता है। जब एक बार कपास की फसल पूरी तरह से कट जाती है तो उसे फैक्ट्री में लाया जाता है। अब कॉटन को इस बड़ी सी मशीन में डाल दिया जाता है। जैसे ही कॉटन मशीन में डाली जाती है वैसे ही इसके बड़े बड़े रुई के बंडल बनके तैयार होने लगते हैं। उसके बाद एक बार फिर रुई के बड़े बड़े बंडल को इस मशीन में डालकर बड़े बड़े रोल्स बना लिए जाते हैं। अब इन रोल्स को इस मशीन में डालकर बहुत सारे कॉटन का कपड़ा तैयार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन कपड़े को मजबूती देने के लिए कॉटन को अलग अलग मशीनों में डालना जरूरी होता है। अब बात आती है कि जीन्स का कलर क्या होगा। दोस्तों जिस भी रंग की जीन्स बननी होती है उसी कलर से कॉटन के कपड़े को डाई कर दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब कपड़े को और ज्यादा मजबूती देने के लिए इसे एक अलग किस्म के धागे से बुना जाता है। जैसे ही कॉटन में यह धागा मिला, ये देखिए कैसे जीन्स के सॉलिड कपड़े तैयार होने लग जाते हैं। अब यहां से दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि कपड़ों को काटकर सिलाई करने का। दोस्तों यहां भी कई तरह की मशीन्स की मदद से जीन्स को बेहतर डिजाइन दिया जाता है। दोस्तों अपने अलग अलग जीन्स में देखा होगा कि कैसे अलग अलग तरह के डिजाइन दिए जाते हैं। यहां देखिए इस तरह से मशीन में जीन्स को रख दिया जाता है डिजाइन के लिए। हालांकि दोस्तों यहां एक बात क्लियर कर दूं, आप चाहें तो अपने हाथों से भी इसे तैयार करवा सकते हैं या फिर मशीन से भी। कहा जाता है कि कई कारीगर ऐसे भी होते हैं जो कि अपने हाथों से इतना बढ़िया डिजाइन तैयार करते हैं मानो मशीन को भी वो फेल कर दें। जब एक बार मनचाही जीन्स तैयार हो जाती है तो अब उसे बड़े बड़े शोरूम्स में भेज दिया जाता है। दोस्तों आपको कैसी लगी ये जीन्स मेकिंग प्रोसेस, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर टू, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लड़कियों के कपड़े यानी कि सूट तैयार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को बढ़िया सा सूट गिफ्ट के तौर पर देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, है कि नहीं? लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे तैयार किया जाता है इन कपड़ों को। दोस्तों सबसे पहले कॉटन के कपड़े को कलर किया जाता है, जिस भी कलर के सूट की डिमांड होती है वो कलर चूज किया जाता है। जब एक बार इसे कलर कर दिया जाता है उसके बाद अगला प्रोसेस होता है डिजाइनिंग का। जी हाँ, डिजाइनिंग में न सिर्फ मशीन का इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसे हाथों से भी डिजाइन किया जाता है। ये देखिए कैसे तैयार किया जा रहा है कलरफुल डिजाइन। हालांकि दोस्तों कई ऐसी भी मशीनें होती हैं जो कि एक बार डिजाइन तैयार होने के बाद एक साथ ही 14 अलग अलग डिजाइन में कपड़ों के ऊपर पेंट कर देती हैं, जबकि ये भी एक अलग किस्म की मशीन है। इस मशीन में आपको सफेद कपड़ा रखना पड़ता है। जैसे ही आपने कपड़ा रखा वैसे ही ये एक मिनट के अंदर कपड़े पर डिजाइन तैयार करके आपको दे देगा। दोस्तों ये भी एक अलग किस्म की मशीन है। इस मशीन से आप बहुत ही बारीकी के साथ किसी भी तरह का डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए कैसे इस मशीन की मदद से कपड़ों में फूल तैयार किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं इस मशीन पे। इस मशीन की खासियत यह है कि आपको बस एक डिजाइन इस मशीन पे फिट कर देना होता है, उसके बाद ये मशीन खुद ब खुद कपड़ों पे डिजाइन कर देती है। है ना ये कपड़ों को तैयार करने का शानदार तरीका? आपको ये प्रोसेस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर थ्री, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आई शेडो को तैयार किया जाता है। जी हाँ, वही आई शेडो जो कि आपकी गर्लफ्रेंड लगा के आती है अब जब भी उनसे मिलने जाते हैं, जब किसी लड़की को पार्टी में जाना होता है, जब किसी फंक्शन में जाना होता है। लेकिन दोस्तों किसी भी कंपनी के आई शेडो को बनाने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि माइका पाउडर, पश्मीका पाउडर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और चावल का आटा। दोस्तों इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है, इन्हें मिलाया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कैसे इनको अलग अलग कलर में तैयार किया जाता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आई शेडो को कलर देने के लिए पिगमेंट्स कलर को इस मिक्सचर में मिलाया जाता है। जी हाँ, चाहे आप रेड कलर का बनाना चाहो या फिर येलो, आपको कलर मिक्स करना होता है। जैसे ही कलर को एक बार मिक्स कर दिया जाता है तो उसके बाद मशीन की मदद से अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग कलर डाल दिए जाते हैं। ये देखिए देखते ही देखते कैसे तैयार हो गया ये आई शेडो।
दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर में आई शेडो बनाने की कोशिश करेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 4, दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि फैक्ट्री में कैसे तैयार की जाती है लड़कियों की लिपस्टिक। जी हाँ, वही लिपस्टिक जिसे देखकर आप कई बार मदहोश हो जाते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि लड़कियों के होठों को खूबसूरत बनाने वाली चीज लिपस्टिक को तैयार कैसे किया जाता है? नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों लिपस्टिक को बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला ऑयल यानी कि तेल, दूसरा वैक्स यानी कि मोम, और तीसरी चीज है अल्कोहल, चौथी चीज है पिगमेंट्स यानी कि कलर। दोस्तों आपको बता दें कि इन सभी चीजों को आपस में मिलाकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। कि देखिए कैसे इन्हें आपस में मिलाया जा रहा है। जब एक बार सभी चीजों को मिला दिया जाता है तो उसके बाद इस मिक्सचर को इस बड़ी सी मशीन में डाल देते हैं। दोस्तों इस मशीन का काम होता है मिक्सचर को एक पेस्ट का रूप देना। दोस्तों अगले स्टेप में एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल को गर्म किया जाता है और उसमें लिपस्टिक का पेस्ट डाल दिया जाता है। जैसे ही लिपस्टिक का पेस्ट गर्म तेल में डाला जाता है वैसे ही पेस्ट की चिकनाहट और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस नए पेस्ट को इस मशीन में डाल दिया जाता है, ये देखिए कैसे। दोस्तों इस मशीन का काम होता है पेस्ट को छोटे छोटे मोल्ड में डालना। ये देखिए कैसे मोल्ड के अंदर लिपस्टिक को डाला जा रहा है, साथ ही मोल्ड को ठंडा भी किया जाता है ताकि पेस्ट को सॉलिड आकार में कन्वर्ट किया जा सके। ये देखिए कैसे कूलिंग की जा रही है। दोस्तों आखिर में इन मोल्ड्स के ऊपर लिपस्टिक की बॉडी कवर को रख दिया जाता है और उसे जोर से प्रेस किया जाता है ताकि बॉडी कवर में लिपस्टिक फंस जाए। उसके बाद अंत में मशीन के जरिए लिपस्टिक के ऊपर टॉप कवर को लगा देते हैं। साथ में आप चाहें तो जिस भी कंपनी की ब्रांडिंग करना चाहते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा ये लिपस्टिक बनाने का तरीका, आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, दोस्तों हम सबके घर पे कालीन तो होती हैं। जी हाँ सही कहा आपने, वही कालीन जो मिर्जापुर वाले वेब सीरीज के कालीन भैया के नाम से बड़ा पॉपुलर हुआ था। आज हम आपको बताएंगे कि कालीन की सफाई कैसे की जाती है, आप खुद से ही कैसे कालीन की सफाई घर में ही कर सकते हैं, या फिर कैसे कालीन को बड़ी कंपनी वाले साफ करते हैं। ये देखिए सबसे पहले कालीन को झाड़कर इसके अंदर के धूल को साफ कर देना चाहिए। यहाँ देखिए कैसे साफ किया जा रहा है कालीन को। एक बार जब कालीन के ऊपर की धूल को साफ कर दिया जाता है तो उसके बाद नॉर्मल पानी से भी कालीन की सफाई की जा सकती है। दोस्तों जैसे ही आप कालीन के ऊपर पानी डालकर इसे वाइपर से साफ करेंगे इसके ऊपर से सारी गंदगी और सारे धब्बे साफ हो जाएंगे। उसके बाद आप कालीन को किसी पाइप की मदद से साफ कर सकते हैं, लेकिन पानी का प्रेशर तेज होना चाहिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कैसे किया जा रहा है कालीन को साफ। उसके बाद कालीन के ऊपर किसी भी तरह का शैम्पू डालकर इसकी सफाई और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये कमाल की मशीन आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों इस मशीन में बहुत सारी ब्रशेज लगी होती हैं जिससे कि कालीन की हो जाती है बेहतरीन सफाई। दोस्तों आखिर में आपको कालीन को बस धूप में सुखाने की जरूरत है। ये देखिए आपका कालीन पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिख रहा है। दोस्तों क्या आप कर सकते हैं अपने घर में इस तरह से कालीन की सफाई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, दोस्तों चीनी तो हम रोज ही खाते हैं। बचपन में तो ऐसे ही चीनी हाथों में लेकर खा जाते थे, कई तो अब भी खाते होंगे। क्या आप भी खाते हैं? मत खाया कीजिए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे फैक्ट्री में चीनी को तैयार किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि चीनी गन्ने से तैयार की जाती है, इसलिए पहले गन्ने के पेड़ को काटा जाता है। इसके लिए भी एक अलग किस्म की मशीन की जरूरत पड़ती है। ये देखिए कैसे ये मशीन गन्ने को काट रही है और साथ ही छोटे छोटे टुकड़ों में जमा कर रही है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है और इसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया जाता है। एक बार गन्ने की सफाई के बाद इन सभी छोटे छोटे पीसेस को मशीन में क्रश कर दिया जाता है। इसका रस निकालते हैं। दोस्तों इस मशीन की खासियत होती है कि ये रस को अलग कर देती है और वेस्ट मटेरियल को अलग कर देती है। आपको वो यहाँ भी दिख रहा होगा। दोस्तों इस गन्ने के रस में चूना, सल्फर और पानी डालकर इसे गर्म किया जाता है। अब तैयार शीरप को इस बड़े से बॉयलर में डाला जाता है जहां से मशीन के जरिए लिक्विड को छोटे छोटे चीनी के दानों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये देखिए कैसे, तो कुछ इस प्रकार तैयार होती है चीनी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के बारे में अपनी कुछ राय देनी है तो आप कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा।